तो चलिए शुरू करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे और मुझे भूल चुके होंगे क्योंकि मैंने इतनी देर से व्लॉग्स नहीं बनाए। तो इसके पीछे बड़ी मेन रीजंस थी कि मैंने व्लॉगिंग नहीं की। तो यार ये थोड़ी सी मसरूफियत थी। तो आई होप कि आपको मेरे व्लॉग्स अच्छे लगते होंगे। आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, प्रेस द बेल आइकन एज वेल टू नेवर मिस माय अनदर व्लॉग। क्योंकि आज का सेशन बड़ा स्पेशल होने लगा है। इसके पीछे मेन रीजन ये है कि मैंने पिछले दिनों लगाई थी इंस्टाग्राम पे स्टोरी पे मैंने पूछा था आस्क मी अ क्वेश्चन। जो भी उनके क्वेश्चंस थे उन्होंने मेरे से पूछे थे, वो मैं वन बाय वन उनके रिप्लाई दूंगा। अरे कहना क्या चाहते हो? तो वो सारे क्वेश्चंस हैं यहाँ पे, तो ये मैं वन बाय वन पढ़ूंगा और इसके आपको रिप्लाई दूंगा। बड़े क्रिटिकल इन्होंने क्वेश्चन पूछे हैं। तो अगला क्वेश्चन है मेरे दोस्त का, अब्दुल वासिफ, 7 से मेरा दोस्त है। उसने पूछा, भाई आप भाभी को लाओ व्लॉग में। भाईजान पहले तो व्लॉग बड़ी मुश्किल से आते हैं, ऊपर से भाभी आपकी होगी तो व्लॉग में आएगी। आप तो चाहते हो कि मेरा कोई व्लॉग ही ना आए, तो इंशाल्लाह जो कि कभी भी नहीं होगा, ना भाभी आएगी ना व्लॉग बनेगा। तो भाई मज़ा आया। तो अगला क्वेश्चन है, आप मंज हो तो सुनील मंज आपके कजन्स? तो नहीं कजन्स है हमारा, नहीं हमारा बिल्कुल कोई कज़न नहीं है, मंज है, मंज राजपूत है, पर सुनील मंज बस लव है, तो कज़न नहीं है भाई बिल्कुल भी। तो इसके बाद क्वेश्चन है, विच पॉलिटिकल पार्टी डू यू सपोर्ट? हम उस पार्टी को सपोर्ट नहीं करते कि जिसको सपोर्ट करने की वजह से घर के बाहर वीगो आ जाता है। बड़ा हरामी हो बेटा। तो इसके बाद एक क्वेश्चन आया कि ब्रो आप जिम जाते हो? तो भैया मैं जिम नहीं जाता, कोई 15 दिन गया था उसके बाद मैंने जिम छोड़ दी थी, वैसा ही हूँ। मैं क्या करूँ फिर, जॉब छोड़ दूँ? पहला क्वेश्चन हमसे पूछा है सनात ने, तो ब्रो एक एडवाइस है मुल्क के जवानों के लिए, वो दिल लगा के मेहनत करें बस। तो भाईजान आप तो पाकिस्तान छोड़ के चले गए हुए हैं, तो आप ये एडवाइस कर रहे हैं, चले ठीक है, बेस्ट ऑफ लक। तो इसके अलावा पाकिस्तान के हालात सभी को पता है कि क्या चल रहे हैं, तो बाकी हाँ मेहनत करे, बस इतनी मेहनत ना करे कि वीगो डाला आपके घर के बाहर आ जाए। क्वेश्चन हमारे पास है, भाई आप ब्रांड हो? सिकंदर गुजर ने बताया, भाईजान ब्रांड बंदा पहनने से नहीं बनता, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है, थोड़ी सी क्रिएटिविटी हो आप में तो आप खुद ही ब्रांड बन जाते हैं। बाकी थैंक यू सो मच, लॉट्स ऑफ लव फॉर यू। क्वेश्चन पूछा है कि कौन से सब्जेक्ट आप स्टडी करते हैं? मैं BS हिस्ट्री कर रहा हूँ, इसमें सब्जेक्ट तो मैंने इस सेमेस्टर में कोई राउंड अबाउट 8 सब्जेक्ट मैंने पढ़े थे, जिनमें बहुत ज़्यादा थे, पर्शियन आ जाती है, लिटरेचर आ जाती है, ग्लोबल हिस्ट्री आ जाती है, ओटोमन एम्पायर, इस तरह इस्लाम वगैरह वट एवर। क्वेश्चन है, आपकी यूनी लाइफ कैसे जा रही हो? तो नंबर 6, आई वॉन्ट टू मीट यू। जी जी ज़रूर, जब मर्जी आप अपने लिए टाइम निकाले, हम तो वेले हैं, तो इंशाल्लाह मिलते हैं। तो क्वेश्चन है, क्या हाल चाल है भाई का? अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच। हु इज़ योर इंस्पिरेशन? मेरे ख्याल से कोई शख्स आपकी इंस्पिरेशन नहीं हो सकता, एक शख्स जो मेरी ज़ात तक है, मैंने सोसाइटी से बड़ा सीखा है, सोसाइटी से सीखा है आपको मैच्योर जब आप होते हो। मैं इतना मैच्योर नहीं हूँ, पर जब आपको मैच्योरिटी आने लग पड़ती है, लोगों की समझ आने लग पड़ती है, तो आप ऑटोमेटिकली कुछ ना कुछ क्रिएटिव करते हो। तो इंसान खुद की इंस्पिरेशन खुद ही होता है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आगे क्वेश्चन आ गया है मेरे जान के टुकड़े आदिल का, पर इसने क्वेश्चन ही पता नहीं क्या पूछा मेरे से। मैं क्या बोला तूने, ए पहले क्या बोला? चल GC चले, श्योर मैं बल्कि GC में रहता हूँ यार, क्या पूछूँ समझ नहीं आ रहा भाई। तुम कल पूछी, परसों पूछी, जब टाइम होता पूछी। चल चलो जाके
तो जवाद रजा का है क्वेश्चन, टू बी ऑनेस्ट माय फर्स्ट इंप्रेशन। तो भाई आप लव हो, बाकी आप व्लॉग सारे देखते हो, इस पे मुझे ज्यादा खुशी है आप पे। ओह माय गॉड, आ जाओ तुम भी, इज माय नेफ्यू, तो हम इकट्ठे अब आपको रिव्यू देते हैं, रिप्लाई करते हैं। ब्रदर व्हाट इज योर एज? भाई ये नहीं आपने मेरे से क्वेश्चन पूछना था, क्योंकि इसमें मैं लड़कियों से भी ज़्यादा शर्माता हूँ, मैं अपनी एज नहीं बताता। अराउंड अबाउट मैं 20 हूँ। फ्यूचर गोल्स जो यूट्यूब, तो फ्यूचर गोल तो मैंने सेट किए हुए पर बताते नहीं होते, तो इस वजह से मैं अभी नहीं बताऊँगा आपको। तो बाकी यूट्यूब मैं साथ साथ चलता जाऊँगा, अपनी यूनिवर्सिटी लाइफ में मैं व्लॉग्स नहीं छोड़ने वाला, ये कन्फर्म है। पैसा ही पैसा होगा। तो अगला क्वेश्चन आया कि शादी कब कर रहे हो आप भाई? ये किधर कौन है ये लोग? ऐसे था, ये तो सब्जेक्ट में भी नहीं है, आउट ऑफ सिलेबस आप क्वेश्चन पूछ रहे हो यार, कहां से आते हैं ये? बस तो अगला क्वेश्चन है, कोई क्रश हो आपकी यूनिवर्सिटी में? यूनिवर्सिटी में भाई दोस्त नहीं मिलते, आप क्रश की बात करते हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोर तो नहीं हो रहे आप? तो नेक्स्ट क्वेश्चन भाई का आया, भाई आप बहुत डाउन टू अर्थ हो। यस इट्स माय प्लेयर, हम अल्लाह वाले हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आया, इतने कम व्लॉग क्यों बनाते हो आप? बहुत लेजी हूँ, बहुत ज़्यादा लेजी हूँ, जिसकी वजह से मेरा दिल ही नहीं करता। मैं कहता हूँ कंटेंट आएगा जेन में, क्रिएटिविटी थोड़ी सी होगी, फिर मैं ब्लॉग बनाऊँगा, हमें मुँह उठा के मेरे से भी नहीं बनाए जाते, तो इस वजह से ब्रेक ली हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, प्लीज़ टेल अबाउट योर सीक्रेट्स। कोई सीक्रेट नहीं है, अगर हुआ तो फिर तो लाजमी नहीं मैंने बताना। इसके बाद क्वेश्चन आया, टेल अबाउट योर यूनिवर्सिटी फ्रेंड, दे आर बेस्ट फ्रेंड्स और स्नेक्स। भाई मेरी यूनिवर्सिटी दोबारा ओपन होनी है, मैंने यूनिवर्सिटी में भी जाना है, स्नेक कोई भी नहीं है, सभी भाई हैं हमारे। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वेयर यू लिव? आई एम लिविंग ऑन द अर्थ यार। तो बाकी साहिवाल बेसिकली आरीवाला, तो आई थिंक दिस इज इनफ फॉर यू। तो ये सारे क्वेश्चंस थे जिसका मैंने जवाब बखूबी दे दिया है, तो मुझे कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो बाकी ये आज का Q&A सेशन था, जो कि मैंने आपके साथ शेयर किया है, लोगों के क्वेश्चंस थे, आपके क्वेश्चंस थे जो मैंने आपको रिप्लाई किए हैं। तो अगर आप आइंदा से फिर इस तरह का Q&A चाहते हो, तो इस के कमेंट्स में आप अपने जो भी क्वेश्चंस है वो पेस्ट कर दे, उसका मे बी मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाऊँ तो आपको भी मैं हाईलाइट करूँगा आपके नेम को। तो टू द पॉइंट, कि थोड़ी सी क्रिएटिविटी यार इंसान में होनी चाहिए, क्योंकि आप में और दूसरों में थोड़ा सा फ़र्क होना चाहिए, क्योंकि सभी रेस में लगे हुए हैं। तो इस वजह से मैं थोड़ा व्लॉगिंग कर रहा हूँ, तो आई होप कि आपको मेरे व्लॉग्स अच्छे लगते होंगे। आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, प्रेस द बेल आइकन एज वेल टू नेवर मिस माई अनदर व्लॉग। थैंक यू सो मच।